कताबाट आउनु भएको हामी किस्टिपुरबाट आउनु कस्तो लाग्यो ठाउँ राम्रो लाग्यो ठाउँ घुमेर राम्रो लाग्यो फेरि आउनुस् त ल हुन्छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नमस्ते दोस्तों नयाँ दिन नयाँ ब्लग कुछ काम तो है नहीं खास क्योंकि गेस्ट नहीं है साफ सफाई हमने कंप्लीट कर दिया है अब ऐसे नाला बना दिया हमने जो इधर से जो पानी आ रहा था उधर भी पानी आ रहा था ये ड्रेन में नहीं जाएगा बारी में जाएगा सूख जाएगा इससे क्या ड्रेन साफ रहेगा क्योंकि ये ड्रेन ऐसे बना है कि पानी फ्लो नहीं होता है पानी जगह जगह रुक जाता है उसके कारण क्या है ड्रेन में पानी जमा होने के कारण बदबू आती है फिर मच्छर होंगे है ना तब ड्रेन में पानी जाएगा ही नहीं बस बात ख़त्म और यहाँ पे इसको ठीक करेंगे ये किचन का जो पानी था किचन का यहाँ पे आके ये हमने गड्ढा बनाया था एक गड्ढा हमने 8 फीट खोदा था लेकिन बारिश में आधा तो भर गया है मट्टी वट्टी से क्योंकि पानी तो पूरा यहाँ फ्लड हो जाता था ना तभी ऐसे यहाँ पे चला जाएगा और नाला रहेगा एकदम नीट एंड क्लीन अब नाला आज साफ होगा या कल होगा देखते हैं और इधर विशाल भाई ने मल लाया है वो मल ऐसे रोज़ लेके आता है और रोज़ फिर अनिल दाजू आएंगे बीच में तो सब में बीच बीच में मल डालेंगे तो उससे क्या है ना ये मट्टी और बढ़िया हो जाएगी सब्जी बढ़िया निकलेगी यहाँ से फिर ये है ऐसे जो थोड़ा बहुत तो कचरा होता है हम लोग यहाँ पे जला देते हैं और ज़्यादातर हम कुछ लोग जलाते नहीं हैं सब रिसाइकल होता है हमारे यहाँ सब हम बैग्स में जमा करके रख देते हैं जो कबाड़ी वाला आता है वो ले जाता है जिसके कारण कुछ भी पॉल्यूशन वाला काम नहीं करते हम लोग आइए आपको एक बार फार्म स्टे का फ्रंट व्यू भी दिखा दूँ यहाँ का काम हमने सुबह ही निपटा लिया था पहले सबसे पहले क्या करते हैं टॉयलेट का काम और स्विमिंग पूल का क्लीनिंग का काम ये दो पहले करते हैं उसके बाद दो जन किचन में लगे रहते हैं दो जन यहाँ लगे रहते हैं चार जन मिलके ये काम करते हैं यहाँ पे मेरे को लेके 5 जन एक घर की तरफ भी है एक जन वो उस तरफ काम करता है तो टोटल मिला के 6 जन नाला आज ही साफ कर रहे हैं ताकि गंदगी नहीं रहे रुकिए आपको इस तरफ से ले आके दिखाता हूँ यह फुल फोर्स में पानी खोल दिया गया है पूरा साफ कर रहे देखिए इधर कैसे साफ हो गया अभी इधर भी साफ हो जाएगा पिटूनिया का पहला फूल निकल चुका है ये सर डबल वाला है डबल वेराइटी वाह जब सब निकल जाएंगे कितना सुंदर लगे और ये काफ़ी दिन तक रहते हैं निकलते रहते हैं फिर फूल इसमें से नीचे साईपत्री भी निकल रही है घर के तरफ तो और बढ़िया से निकल के रखा है उसका एक लॉट अंदर भी लेके आएंगे यहाँ पे भी देखिए देख रहे हैं और फार्मसी के चारों ओर भी लगाया हुआ है लेकिन अभी नहीं निकल रहे पता नहीं मे बी आफ्टर 1 वीक निकलेंगे गेस्ट आए थे उनका बाइक नहीं ले पाए क्योंकि थोड़े कैमरा शाई थे चलो खाना पीना खाया उन्होंने एंजॉय किया अब जा रहे हैं खाद भी काफ़ी आ चुका है खाद 2-3 बोरा आ चुका है अब देखे अनिल दाजू कब आते हैं तो बारी में खाद देना पड़ेगा लिपस्टिक लता में तो बहुत सारे निकले देखिए लेकिन फूल कम निकलेंगे पता नहीं मे बी कुछ दिन के बाद आफ्टर दिवाली में भी और ऐसे ही आज का दिन भी बीत गया गेस्ट तो थे नहीं बस हमने अपना समय यूटिलाइज किया और जो जो काम पेंडिंग था फार्म स्टे में वो सब किया हमने वो कुछ नाला वाला ठीक किया कुछ फूल वगैरह ठीक किए बस ऐसे ही दोस्तों आज का दिन निकल गया आज की बस एक ही खुशी है
जो आपसे शेयर करना चाहता था एक दो दिन पहले, बस याद नहीं था कि वी हैव रीच 2000 फॉलोअर्स। थैंक यू दोस्तों, पहले 1000 थे, फिर अब 2000 हुए, अब ऐसे ही बढ़ती जाएगी गाड़ी आगे। बस आप अपना सपोर्ट देते रहिएगा हमें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस बढ़िया से फार्म स्टे को हम और ऊपर तक ले जा सकें। आप लोग आइएगा, आप लोग को बिठा के बड़े से खिलाएंगे खाना, जो कि हमारी खासियत है, हमारी हॉस्पिटैलिटी, हमारा खाना का क्वालिटी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल से, कल आपसे, कल धनतेरस, कल लोग अपने घर में सोने चांदी के कुछ आभूषण खरीदते हैं या कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, अच्छा शुभ माना जाता है, झाड़ू खरीदी जाती है, नमक खरीदा जाता है, इससे घर में लक्ष्मी आती है कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।